ये यहाँ पर खरीदारी हमारी हो गई है राखी की और हमने ये राखी ले ली है। कितना लिया? 430। चार राखी का 430 ने ले लिया, 30-50। ठीक है चलो, इतना पैसा वापस किया 500 से। चलो बाहर से ले लेते हैं। राखी लेने आए, राखी खरीदारी हो गई। दोस्तों ये राखी मुझे कुरियर करनी है, तो कुरियर करने वाला मुझे मना कर रहा है, प्लीज राखी कुरियर मत करो, जाके डाक से इसको पोस्ट करो। और इतनी अच्छी प्यारी प्यारी राखियां हैं, मुझे सब कुछ डालना, मैं कैसे पोस्ट करूं? लिफाफा में तो जाएगा पूरा डिब्बा पैक किए थे, ये पैकिंग का मुझे 150 रुपया चार्ज देना पड़ा है, कुरियर नहीं गई, डाक द्वारा मैंने ये पूरी राखी भेजी है। दोस्तों अभी चाय पी रही हूँ, चाय बन गई है मेरी, आप लोग भी आइए चाय पी लीजिए, और हमारी चाय कैसी लगेगी तो बताइएगा। आज मैंने दोपहर में करीब मैं थक गई थी, मैंने एक घंटा रेस्ट किया है, आंखें लग रही सोई सोई थोड़ी सी। हेलो फ्रेंड्स, आइए चाय हमारी रेडी है, आप भी आ जाइए पीने के लिए। गाइस तो यहाँ पर थोड़ा बहुत खाने के लिए नमकीन वगैरह सब कुछ सारा सामान आ गया है मेरा, पर अभी ज़्यादा नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि अभी गणपति आने वाले हैं, सब कुछ अभी स्टोर करना है सारा सामान, तो जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान मैं लेकर आ गई हूँ, क्योंकि नाश्ते के बाद जूस बहुत ज़रूरी है, बच्चों को कुछ तो लिक्विड चाहिए ना। दोस्तों तो यह सुबह करीब 7:30 बजे का समय हो चुका है, मैंने अपने बच्चों को नाश्ता दे दिया, नाश्ते में मैंने जूस भी यहाँ पर दे दिया, जूस क्योंकि मैं बिना पिलाए उन लोगों को नहीं भेजती, सुबह जूस कुछ ना कुछ तो चाहिए, कुछ भी मिक्स फ्रूट रहेगा या अपना पेरू का रहेगा, यानी अमरूद रहेगा, पाइनएप्पल रहेगा, कुछ भी जूस रहेगा, मैं सुबह पहले जूस भी देती बच्चों को, क्योंकि जूस पी लेते हैं और जाते दिन भर के लिए बच्चों को फ्रेश लगता है। गाइस तो यहाँ पर आज हमने बना दिया अपने घर की पनीर, फ्रेश पनीर बनाया है, 2 लीटर दूध है और उसमें पनीर फाड़ दे ही, मलमल का कपड़ा है, इसमें हमने पनीर बांध के रख दिया था थोड़ी देर, ये इस कपड़े के साथ ही पानी जब निकल गया मैंने डीप फ्रिज में डाल दिया, डीप फ्रिज में डालने के बाद यहाँ पर करीब ये देखिए पनीर निकल चुकी है प्लेट से, कपड़े से मेरी बाहर, अब मैं इसको कटिंग करने जा रही हूँ, कटिंग कर दूँ, छोटे छोटे पीसेस नहीं करूँगी, बड़े बड़े पीसेस करूँगी, इसलिए छोटे पीस कर देने से पनीर मुँह में नहीं आता, पूरा ख़राब हो जाता है, खाने का टेस्ट भी, बच्चे खाते भी नहीं, और मुझे खुद भी पनीर जो है ना छोटे छोटे टुकड़े नहीं पसंद है, बड़े टुकड़े पसंद है, तो बड़े बड़े पीस काट दूंगी, और ज़्यादा खाने वाले मेंबर है नहीं हमारे घर में, 3 ही लोग हैं खाने के लिए, तो इतनी पनीर पर्याप्त तो हो जाएगी, क्योंकि घर की पनीर की बात ही अलग होती, मार्केट से आधा किलो भी लेकर आ जाओ, 1 किलो भी लेकर आ जाओ, मज़ा नहीं आता खाने में और वो टेस्ट नहीं आता, घर में पनीर खुद बनाइए खुद खाइए, उसकी सब्ज़ी का टेस्ट अलग ही रहता है। ये 2 लीटर पनीर, 2 लीटर के दूध में देखिए इतनी ही पनीर पड़ी है बताइए। तो यहाँ पर पनीर हमारी फ्राई हो चुकी है, पनीर हमने बना के रख लिया, ये डाल दिया है मसाला, मैं यहाँ पर मसाला फ्राई कर रही हूँ, फ्राई हो चुका है मसाला, और उसमें अभी मैंने डाल दिया है मटर, मटर भी फ्राई हो चुका है, और इसमें पनीर भी डाल दिया है, मसाला सब कुछ मिक्स कर दिया है यहाँ पर, देखिए पनीर हमारी बन के रेडी हो गई, ज़्यादा नहीं बनाया, इतनी सब्ज़ी हमारे लिए पर्याप्त है, ज़्यादा खाने वाले कोई नहीं है, केवल 3 ही मेंबर है खाने के लिए, 3 मेंबर के लिए बहुत पनीर इतनी है, क्या करेंगे, क्योंकि बासी हम रखते नहीं फ्रिज में, कोई चीज़ हम उठा के नहीं, ना तो मेरे घर में बासी दाल रखी जाती, ना चावल रखी जाती, ना मैं फ्रिज में कभी आटा सान के रखती हूँ, मैं फ्रिज में कोई चीज़ नहीं रखती, केवल मेरे फ्रिज में घी, दूध, दही, फल फ्रूट, काजू, मेवा, बादाम, बस सूखे सामान मिलेंगे, या तो मिठाइयाँ हमारे फ्रिज में ढेर सारी मिलेंगी, उसके अलावा गाइस हमारे फ्रिज में आपको दाल चावल सब्जी रोटी ये कभी नहीं मिलेगा, मैं फ्रिज में कभी नहीं रखती हूँ बासी, उतना ही बनाती हूँ जितना खा सकूँ, नहीं खा सकती हूँ तो ले जाके नीचे कुत्ते को दे देती हूँ, क्योंकि कुत्ते को भी खिलाऊँगी तो कुछ पुण्य मिलेगा ना, बस उतना ही करती हूँ, और उसके अलावा मैं फ्रिज में नहीं रखती कोई खाने का आइटम। गाइस तो यहाँ पर देखिए आज हमने अपने घर में इतने ढेर सारे जूतों की सफाई की है, सारे जूते हमारे धुल गए हैं, चला जा, क्योंकि मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है।
चलो मैं इनका नंबर ले इनके नंबर में भेजती हूँ। ये अच्छा है, गल्ले के किचन में।